हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरे चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और प्लीज़ अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटी की बटन को भी दबा दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल सके। और प्लीज़ अपने फैमिली दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो ये वीडियो उसी दिन का है, शाम का, मतलब दूसरे दिन का। तो बस मैं चादर अदर ये जो है ना, अभी उस पर सोफे का जो है चादर है तो वो लगा रही थी, और जो कपड़े फोल्ड करने थे तो मैंने कहा था वो उस दिन नहीं कर पाऊँगी, तो टाइम हो गया था, नहीं कर पाई थी, तो आज कर रही हूँ। तो सारा काम कंप्लीट करना है और बस आज का ही दिन और बचा है, तो काम कर ले रही हूँ। और इसके बाद ना, और ये वीडियो थोड़ा सा लेट हो जाएगा क्योंकि ये था सोमवार का, तो सोमवार वाले दिन का था, पर क्या करें, बहुत ही ज़्यादा मेरी तबीयत अभी बिगड़ गई थी एक दो दिन बाद अभी, तो पता नहीं क्यों अचानक क्या हो गया था, समझ ही नहीं आया कैसा क्या बिगड़ गया अचानक ही अपने आप खाना खाने के बाद, तो इस वजह से ये वीडियो थोड़ा सा लेट हुआ है। और इसलिए क्यों, और ये थोड़ा सा ही मैं बना पाई थी वीडियो, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं किया। और उस मैंने फिर नेक्स्ट दूसरे दिन एक दिन छोड़ उसके बाद मैंने फिर वीडियो बनाया। पूरे दिन तो मैं उठी ही नहीं, बिल्कुल सो के ही नहीं उठी, पता नहीं क्यों ऐसी नींद आ रही थी बहुत ही ज़्यादा, तो मैं बहुत ज़्यादा सोई थी, बहुत ही नींद आ रही थी। तो इतना बुरा घर का हाल हुआ है कि अभी आप लोगों को मैं बताऊंगी। तो अभी मैं बस यही काम जो रह गए थे वो मैं कंप्लीट कर रही हूँ। और यहाँ पर भी मैं एक छोटा सा गद्दा लगा देती हूँ क्योंकि ये लोग नीचे भी बैठते हैं, हाँ रोज़ ही बैठते हैं डेली, और कम से कम ये कार्तिक भी यहाँ खेलने लगता है। और कार्तिक की भी शिकायत थी कि मम्मी आजकल मुझे नहीं देखती, तो इस वजह से आज कार्तिक का लाड हो रहा है। तो दो दिन से वो भी थोड़ा सा वो कर रहा था परेशान मुझे, तो अभी बस थोड़ा सा उसके साथ मैं खेल रही हूँ। तो कभी कभी टाइम मिल जाता है, कभी कभी ऐसा होता है कि टाइम नहीं मिल पाता है काम की वजह से, काम इतने सारे हो जाते हैं ना। और ये होली के टाइम कैसे बीत गए समझ ही नहीं आया, सच में बहुत ही पूरे मतलब काम ही काम में, और फिर भी अभी और काम बाकी हैं। कुछ कपड़े यहाँ रखे हैं आधे, मतलब आज के धुले और कल के धुले यहाँ रखे हैं, तो उनको फोल्ड करना है, अभी तक की नहीं, इतने सारे कपड़े, बहुत सारे। तो ये कपड़े जो है ना वो दो दिन के ही मतलब जो मतलब धोले थे वो इकट्ठे रखे थे बहुत सारे, तो बस वही मैं फोल्ड करूँगी। तो आजकल ना मैं ऐसे करने लगी हूँ कि ये अलग अलग रख अलग अलग पहले रख लेती हूँ, तीनों जन के हम मेरे कपड़े, तो इनको मैं पहले अलग अलग कर लेती हूँ, इससे क्या है ना बड़ी आसानी हो जाती है कपड़े फोल्ड करने में, तो क्योंकि अलग अलग रखना पड़ता है इकट्ठे में तो फिर गड़बड़ हो जाती है। तो मैं सब छांट ले रही हूँ पहले, कार्तिक के अलग और मेरे अलग, सभी लोगों के अलग, फिर उसके बाद मैं फोल्ड करके अलमारी में जमा दूँगी। और कपड़े को तो बस यही हाल है, डेली बहुत ही कपड़े निकलना, और बहुत ही परेशान हो जाते हैं कपड़े धोने में भी, सच में बहुत काम निकल जाता है। और ज़्यादा नहीं थे, ऐसे ही डस्टिंग वाले कपड़े थे जो कि ऐसे ही मुझे धुलने पड़े, तो थोड़ी आसानी रही धुलने में भी, ज़्यादा काम नहीं बढ़ा। और इस रूम में ना मैं ज़्यादा नहीं आती हूँ, बहुत ही कम आती हूँ, मुश्किल से पूरे दिन में एक या दो ही बार अंदर आती होंगी, पता नहीं क्यों, मतलब मुझे ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, जब सुबह मैं तैयार होती हूँ तभी आती हूँ, और बहुत ही कम आती हूँ, एक दो तीन बार ही बस, क्योंकि पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता, बोलना तो नहीं चाहिए। वैसे आप लोगों ने बोला था कि अंदर वाले रूम को भी दिखाना, तो अंदर वाले रूम का तो मैंने कुछ नहीं किया अभी फ़िलहाल, जैसा मैंने डेकोर किया था पहले ही
हाँ सेम वैसा ही अभी है, इसमें अभी मैंने कुछ नहीं किया है। तो वैसे मैं सोच रही थी कि एक दीवार में जहाँ पर जो पलंग रखा हुआ है ना बेड, तो वहाँ पर मैं स्टिकर लगाऊं, क्योंकि कार्तिक को भी पसंद आया है, तो वो मैं करूँगी, पर अभी नहीं करूँगी, थोड़ा टाइम लग जाएगा। और बस इस रूम का ऐसा ही रहता है, वहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ मैंने ज़्यादा मतलब थोड़ा सा ठीक ठाक की हूँ। तो इस रूम में थोड़ा सा ज़्यादा समय लग गया था, और मतलब वहाँ पर ज़्यादा काम नहीं रहता है ना, तो फिर मैं जाती ही नहीं हूँ अंदर वाले रूम में, इसलिए मैं नहीं ज़्यादा वो कर पाती हूँ उस रूम का जो वीडियो है। और यहाँ पर थोड़ी से कपड़े और डले हुए थे, तो बस उनको भी मैं अलग अलग जो ले जाकर फोल्ड कर दूँगी। तो बस अभी मैंने सारा काम कंप्लीट कर लिया है, अभी मैं चाय पीऊँगी, और खाना बनाने में थोड़ा टाइम है। अभी बज रहे थे रात के 8, तो खाना 9 बजे तक ही बनाती हूँ मैं। तो बस अभी चाय पीऊँगी, और ये देखिए मेरा रूम अभी कितना अच्छा लग रहा है ना, आप लोगों ने वैसे बताया तो। और जो ये पर्दा मैंने ऐसे ही लगा दी हूँ अभी, क्योंकि वहाँ की जो अलमारी थी ना वो ऐसे ही अच्छी नहीं दिख रही थी, तो इस वजह से मैंने लगा दिया। और ये है 2 दिन वाला वीडियो, तो उस दिन मैंने कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, और इतना बुरा हाल हो रखा है घर का कि बहुत ही ज़्यादा। अगर मैं कहूँ ना कि अगर घर की लेडीज़ को एक दिन अगर कुछ हो जाए ना, तबीयत ज़रा सी भी बिगड़ जाए, तो घर का इतना बुरा हाल हो जाता है। इतने सारे बर्तन हैं जो मैंने 2 दिन के बर्तन मैंने आज धोए, इकट्ठे हो गए थे, तो बहुत ही ज़्यादा इतनी तबीयत बिगड़ गई थी कि बेचारे मेरे हस्बैंड और कार्तिक पोहा बना बना के खा रहे थे तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा, पर मैंने जैसे तैसे हिम्मत करके मैंने खाना बनाया। पूरे एक दिन का लिया था, उसके दूसरे दिन को दोपहर के 3 या 4 बजे करीब मैंने अभी खाना बनाया। तो इस तरह से किचन की बहुत बुरी हालत थी, वो तो मैंने बर्तन निकाल लिए थे, वरना इतने जगह बर्तन डले हुए थे कि मैं क्या बताऊं। और ये देखिए कमरे का हाल, मतलब एक दिन अगर काम नहीं होता ना किचन का। और ये अभी के कपड़े हैं, मैंने अभी धोए थे, आज मैं ठीक ठाक हुई थी तो फिर मैंने कपड़े धो लिए थे, थोड़े से और इकट्ठे हो गए थे, तो बस इन्हें भी मैं रख दूँगी, और एक दो जोड़ी और हैं तो उनको भी मैं धुल लूँगी। तो इस तरह से काम ना बहुत बढ़ जाता है जिस दिन अगर अच्छा, ऐसी समस्या ना हम लेडीज़ों के साथ ज़रूर होती है कि अगर एक दिन साफ़ सफाई ना करो ना, इतनी भयंकर किचन की हालत, कमरे की और खासकर कपड़ों की और बर्तन बहुत बुरी हो जाती है। और मैं, आप लोगों को तो पता ही है कि मेरे घर में मेरे हस्बैंड को कुछ भी बनाना नहीं आता, तो वो नहीं बनाते, और पता नहीं अब बनाना आता या नहीं, पहले का तो मुझे नहीं पता, बाकी ऐसे पोहा वगैरह बना लेते हैं तो वो खा लेते हैं। तो आज है पूरे उसी दिन से दूसरे वाला दिन, तो बस अब मैं बना रही हूँ शाम को खाना। तो अभी मैंने दोपहर को बना दिया था थोड़ा सा, वही जो मैंने बताया दोपहर में दाल चावल। फिर अभी जाके मैंने सारी साफ़ सफाई की पूरी, जो पूरा गंदा रहा। शाम को पूरे 2 दिन हो गए थे तब जाके मैं उठी, और 5 बजे उठी, अब पता नहीं क्या हो गया था, और अपने आप में ठीक भी हो गई, मैंने दवाई भी नहीं ली, और सोच रही थी जाने के लिए पर मैं नहीं गई। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब एकदम ऐसा लग रहा था जैसे खूब ज़्यादा थक गई हूँ मैं, हिम्मत नहीं है इस टाइप की मेरे शरीर में लग रहा था। तो बस यहाँ मैंने थोड़ी सी चाय भी चढ़ा दी है, चाय नहीं पी अभी, और यहाँ मैं पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो आजकल मेरे हस्बैंड को सब्जी पनीर काफ़ी पसंद आ रहा है, पता नहीं क्यों, क्योंकि अभी चिकन बनता है, चिकन हफ्ते में 1 या 2 बार बनता है, बाकी पनीर ले आते हैं तो इसको भी 2 बार में बना लेते हैं। तो बस अभी मैं वही बना रही हूँ, आज के रात के खाने में है पनीर की सब्ज़ी और चावल रोटी। और आज मैं पनीर को फ्राई कर रही हूँ, वैसे ऐसा कभी कभी होता है कि मैं कभी कभी करती हूँ, कभी नहीं भी करती हूँ,
तो पनीर फ्राई हो गया है यहाँ पर, तो मैं उसको निकाल लूँगी और इसी सेम जो कढ़ाई है तेल में, उसी में मैं जो प्याज टमाटर उनको फ्राई कर लूँगी। और ऐसी वाली सब्ज़ी ना बहुत ही कम तेल में बहुत ही अच्छी बन जाती है, सच में सिर्फ 2 चम्मच तेल में तो बहुत ही अच्छी बन जाती है। तो उसी से मैंने तेल में ना थोड़ा और बिल्कुल भी नहीं डाला था और इतने में ही मैंने बना लिया है। तो बस इसको हल्का ही भूनना रहा और ये प्याज ना थोड़ी सी हल्की सी मैंने गोल्डन ब्राउन होने तक पकाया और फिर टमाटर डाल दिए। टमाटर मैंने 3-4 धो लिए थे। और आज की ग्रेवी देखिए कितनी मतलब सुंदर लग रही है, मतलब इसमें मैंने ना कश्मीरी लाल मिर्च डाली है तो इसका कलर बहुत अच्छा आया, एकदम बहुत ही अच्छा। तो इसमें मैं ग्रेवी अपनी जो जितनी ज़रूरत है उतना मैं पानी डाल दूँगी, क्योंकि चावल के साथ भी खाने वाले हैं तो इसीलिए डाल दूँगी। और देखिए यहाँ पे मलाई है ना बहुत, 2 चम्मच भर के मैं मलाई डालूँगी। और सच में इतना क्रीमी सा टेस्ट आया था, बहुत ही अच्छा। पहले तो मुझे लग रहा था कि मतलब शक हो रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि सब्ज़ी बिगड़ जाए, पर जब लास्ट में जब मेरे हस्बैंड ने खाए तो वो खुद बोले कि आज वाकई में पनीर की अच्छी सब्ज़ी लग रही है। तो मैंने मलाई डाल दी थी ना, इतना अच्छा क्रीमी सा टेस्ट आया, ये देखिए एकदम क्रीम जैसे लग रही थी। तो बस यहाँ पर पनीर की सब्ज़ी भी रेडी हो गई है और बस अब मैं खाना परोस दूँगी। तो आज और मैं यही बोलना चाह रही थी कि अच्छा एक बात तो है कि अगर हम हाउसवाइफ की एक दिन तबीयत बिगड़ जाए ना तो वाकई में बहुत ही ज़्यादा घर की हालत बेकार हो जाती है, ये सब आप लोग तो समझते ही होंगे। हम और आप लोग में से किसके साथ ऐसा होता होगा ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। मेरे साथ तो हर बार हुआ है ऐसा कि अगर एक दिन कुछ हुआ तो फिर मुझे ना काम इतना सारा बढ़ जाता है कि पूछो ही मत, बहुत ही ज़्यादा बेकार काम। तो बस यहाँ पर मैंने खाना दे दिया है, कार्तिक खा रहे और मेरे हस्बैंड, मैं नहीं खा रही हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा था तो मैं चाय पी रही हूँ बैठ के, और बस मैं नहीं खा रही, अभी थोड़ी देर से खाऊंगी। और आज का वीडियो कैसा लगा आप लोगों को प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से व्लॉग के साथ। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।